चलो बढ़िया बढ़िया। थोड़ा भैया आराम से दीजिए, आराम से। थोड़ा रुकिए, 5 मिनट, हम वीडियो बना रहे हैं, आपको बात करा रहे हैं, ठीक है? साहब जो हमारा आदमी बिंदरा लिखा, साहब चलो दिया मालिक, हमारा नाम मिल गया, आप द्वारा मिल गया, आगे लिखा, अरे तुम्हारे घर गया, तुम्हारे घर गया ना, तुम्हारे घर गया, बताओ दो बार लोग सीओ साहब आगे जाओ, एक ही आदमी वाले यार, तो लिस्ट में नाम था पूरा हो गया, इतना भी बात, अरे लिस्ट के बताओ जितने ऐसा है ना, ये सब रख रख के फिर दोबारा अच्छी बात थोड़ी ना है, नहीं सर क्या दिन आया, दिन को दीजिए भाई, इनको नहीं मिला, इनको दीजिए, चला जल्दी जल्दी जाए नहन के, ये चावल दाल, चावल दाल तेल मसाला, सर ये आज किस प्रकार राहत सामग्री बांटा गया और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? देखिए आज सूचना मिली थी कि यहाँ पे बरना पुल के पास जो है कुछ लोगों को ये राशन की ज़रूरत है, उसी संदर्भ में मेरे कार्यालय के जितने भी स्टाफ्स हैं उन्होंने व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन दे करके यहाँ पे लोगों को हमने राशन की का वितरण किया है, जिसमें हमने उनको ये चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, ये सारी चीज़ें हमने बांटी है। इसके अलावा हम इनको ये जो पैक जो कुक्ड फूड है वो भी हम इनको दे रहे हैं, और ऐसे लोगों की हमने एक सूची बनाई है जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, उन सभी को हम राशन जो है वितरित कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना सोए। तो सर आज जो लोगों को बांटा गया है कुल कितने परिवार थे यहाँ पर? देखिए यहाँ पे लगभग हमने 70 के आसपास लोगों को बांटा है, इसके अलावा आज लगभग 300 परिवारों को भी बांटना है हमें, तो हमारी गाड़ी पे पर्याप्त राशन हम लेकर के आए हैं, अभी अलग अलग जगह पे हमने चिन्हित किया है, वहाँ पे जाकर के भी हम राहत सामग्री का वितरण करेंगे। अभी सर जैसा आपने बताया कि अभी और भी अलग अलग जगहों पर बांटना है, जैसा कि आप यहाँ बांट चुके हैं सर, इसके बाद फिर कहाँ बांटने जा रहे हैं? अभी जस्ट इसके बाद जो है बरना पुल के उस साइड यहाँ पे जस्ट बगल में ही दूसरा ऐसी झुग्गी झोपड़ी है, झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं नदी के किनारे पे, उन्हीं को हम अभी बांटने जा रहे हैं।